आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता जो बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, चटपटा और मज़ेदार होता है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामान से ये तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका बहुत ही दिल से वेलकम है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2.5 कप चावल का आटा ले लिया, 2.5 कप राइस फ्लावर है और सेम कप का यूज़ हम पूरे मेजरमेंट के लिए करेंगे। इसे हमने 2.5 कप ले लिया। अब सेम कप में हमने 2 कप हरी मटर ग्रीन पी को भर के ले लिया है। यहाँ हमने कुछ 7 से 8 लहसुन, 7 से 8 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी सोया पत्ती, डिल लीव जिसे बोलते हैं, वो भी ले लिया। अब इसके सोया पत्ती की जगह आप धनिया पत्ती भी ले सकते हैं। इसमें 1/2 कप पानी के साथ हम इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बन जाएगा तो हम सेम चावल के आटे में इसे मिक्स कर देंगे और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के भी इसमें ले लेंगे। अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून के करीब नमक को ऐड कर लिया था। अब सेम कप से ही मेरा पानी गया था, 2.5 कप के करीब हमारा पानी गया था। आप पानी को धीरे धीरे से ऐड करें ताकि पानी आपका ज़्यादा ना हो। बस धीरे धीरे से मिलाते हुए हमारा सेम कप से 2.5 कप के करीब पानी इसमें ऐड हो गया था। अब इस तरीके से बस ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। इस तरीके का जब हो जाएगा तो बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इसमें एक पैन में हम ले लेंगे तेल। हमने 2 कप के करीब इसमें तेल को ऐड कर लिया था। अब कढ़ाई की जगह अगर इस तरीके का खुला हुआ पैन लेंगे तो आपके लिए बनाना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ हम इस स्पून से डालेंगे। इसमें हमने ऊपर से ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया ताकि हमारे चम्मच में बैटर चिपके नहीं। और इस तरीके के स्पून से आप डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा इसे डालना और सेम बराबर के सारे आपके तैयार होंगे बनके। यहाँ बस स्लोली स्लोली से जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इस तरीके से डाल के इसे हल्का सा फैला लेंगे। बीच में हल्का सा ज़रूर फैला लें वरना ये बीच में मोटे मोटे हो जाते हैं। बस इस तरीके से डाल लेंगे हम। इसमें 3 आ रहा है तो हम अभी फ़िलहाल 3 ही डालेंगे और इसे बहुत जल्दी जल्दी इसे टर्न नहीं करेंगे अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। चावल के आटे वैसे भी जल्दी टूट जाते हैं इसलिए थोड़ा जब नीचे का क्रिस्प हो जाएगा तो हम इसे टर्न करेंगे। दोनों साइड होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस देखिए ये हमारे तैयार हो गए इतने झटपट तरीके से, इतना मज़ेदार नाश्ता। आप भी इसे बना के ट्राई ज़रूर करें, आपको भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।